स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में व्यापार अकाउंट के तहत आज हम आपको बता रहे हैं इंटरबैंक बेनिफिशियरी ऐड करना। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। ये काम मेकर या ऑथराइजर द्वारा किया जाता है और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उसे अप्रूव करवाना होता है। आज हम आपको मेकर की प्रोफाइल में लॉगिन करके अदर बैंक बेनिफिशियरी यानी इंटरबैंक बेनिफिशियरी ऐड करना बता रहे हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में लॉगिन करके उस बेनिफिशियरी को अप्रूव करना बताएंगे। उसके लिए ब्राउजर में www.onlinesbi.com ओपन करके कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत व्यापार चुनिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब मेकर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन होते ही माय अकाउंट्स वाला पेज दिखाई पड़ेगा। इस पेज पर दिखाई पड़ रहे टैब्स में से प्रोफाइल टैब पर क्लिक कीजिए। यहां पर प्रोफाइल पासवर्ड डालकर सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आप पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से अदर बैंक बेनिफिशियरी सिलेक्ट करें। मैनेज अदर बैंक बेनिफिशियरी वाला पेज ओपन होगा। इस पेज पर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लें। अब आप जो बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहां पर डालें। जैसे कि यहां पर बेनिफिशियरी का नाम टाइप कीजिए, यहां उसका अकाउंट नंबर टाइप कीजिए और उसके नीचे अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए उसे रीटाइप कीजिए। यहां आप बेनिफिशियरी का एड्रेस, यहां पर मोबाइल नंबर, यहां ईमेल आईडी और यहां कोड डाल सकते हैं। इसमें ऊपर की जो तीन डिटेल्स हैं वो मैंडेटरी हैं, यानी ये जानकारी देना आवश्यक है। नीचे की जो डिटेल्स हैं वो ऑप्शनल हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेनिफिशियरी को कोड 1 दिया था, इस बेनिफिशियरी को हम कोड 2 दे रहे हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नंबर दे सकते हैं। ये हमने डिटेल्स भर दी हैं। अब यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, IFS कोड और ऑल बैंक्स। यदि आप बेनिफिशियरी का IFS कोड जानते हैं तो IFS कोड सिलेक्ट करें। बॉक्स में IFS कोड डालकर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर एक्सेप्ट करें और कंफर्म पर क्लिक करें। और यदि आपको बेनिफिशियरी का IFS कोड नहीं मालूम है तो आप बेनिफिशियरी को उसके बैंक, स्टेट और ब्रांच की सहायता से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ऑल बैंक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बैंक के सामने दिख रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से बेनिफिशियरी का बैंक चुनें, यहां से स्टेट चुनें, यहां से ब्रांच चुन लें। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर क्लिक करें और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही यह मैसेज दिखाई पड़ेगा कि यह व्यक्ति आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में अदर बैंक बेनिफिशियरी के रूप में जोड़ दिया गया है और कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले इस बेनिफिशियरी को एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अप्रूव करना जरूरी है। हम यहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बेनिफिशियरी को अप्रूव करने की प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए ब्राउजर में www.onlinesbi.com ओपन करके कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत व्यापार चुनें, लॉगिन पर क्लिक करें, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। ऐसा करते ही एडमिनिस्ट्रेटर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहां टाइप कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको मैनेज रोल्स वाला पेज दिखाई पड़ेगा।
इस पेज पर दिखाई पड़ रहे टैब्स में से मैनेज बेनिफिशियरीज वाले टैब को सिलेक्ट करें। अब इस पेज पर दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से अदर बैंक बेनिफिशियरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैनेज अदर बैंक बेनिफिशियरी वाले पेज पर बाय डिफॉल्ट ऐड टैब सिलेक्टेड रहता है। चूंकि हम बेनिफिशियरी को अप्रूव करना चाह रहे हैं तो अप्रूव को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जितने भी अनअप्रूव्ड बेनिफिशियरीज होंगे उनकी लिस्ट दिखाई पड़ेगी। आप जिस भी बेनिफिशियरी को अप्रूव करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। यहाँ एक ही बेनिफिशियरी अप्रूवल के लिए दिखाई पड़ रहा है, हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब अप्रूव पर क्लिक करें। अप्रूव पर क्लिक करते ही यह मैसेज दिखाई पड़ेगा कि निम्न व्यक्ति अदर बैंक बेनिफिशियरी के रूप में अप्रूव कर दिया गया है।